हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों, आज है चैत्र राम नवमी, मतलब आज नवमी है। कल हम लोग का अष्टमी का व्रत था और आज नवमी है, तो आज हम लोग अभी जा रहे हैं मतलब हवन वगैरह करने। तो हमारे यहाँ पंडित जी नहीं आ पा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आज डिमांड है उनकी, सबके घर हवन कराना है। तो माँ जी हवन घर पर ही अपने खुद ही करेंगी, तो सारा चीज़ हमने मंगा रखा है। और सब ने कल व्रत रखा था अष्टमी का, मेरे हस्बैंड जी, सास जी, मैं भी। तो हम लोग अभी पहले तो पूजा आरती अच्छे से माता जी का करेंगे, सब कुछ चढ़ाएंगे जो भी चढ़ाना बजाना होगा, उसके बाद से हवन होगा। उसके बाद हलवा पूड़ी का मैं माता जी को भोग लगाऊँगी। सो आज माता जी का यही प्रसाद है, हलवा पूड़ी और चना की सब्ज़ी, मतलब आप चना मसाला बना सकते हो। तो यही नवमी का प्रसाद होता है, मुझे क्या पता कि सबको सबके घर यही बनता है आज के दिन। और उसके साथ खीर भी बना सकते हैं, तो जो आप अवेलेबल हो, मैं तो सब कुछ बनाऊंगी। सो पूरा ब्लॉग देखिएगा, जो जो बनाऊंगी वो भी शेयर करूंगी, पूजा पाठ भी शेयर करूंगी। आज का छोटा ही ब्लॉग होगा क्योंकि मैं कल व्रत थी और मेरा आज बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है और काम भी बहुत ज़्यादा है, तो छोटा ही ब्लॉग होगा, ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं होगा। सो देखिएगा। और हमारे यहाँ जब भी हम लोग व्रत रहते हैं तो पारण करने से पहले अन्न का दान करते हैं, तो मैं, माँ जी, तिवारी जी सब लोग अन्न का दान करेंगे। थोड़ा बहुत सब लोग अनाजों का दान करेंगे, पंडित जी को बाद में दे देंगे। तो ये सब भी करके तभी पारण करते हैं। तो आज चैत्र राम नवमी का भी व्रत सब लोग रहते हैं, पर हम लोग सिर्फ अष्टमी का ही रह रहे हैं। नवमी में हवन पूजा के बाद, कन्या भोजन के बाद गाय को खिलाएंगे, उसके बाद से पारण कर लेंगे। सो ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। 3 बजे दिन में लाइव होता है, उसमें आप लोग जरूर जुड़िएगा। थोड़ा अभी व्यस्तता चल रही है तो मैं अभी 4 बजे लाइव आ रही हूँ, पर आप लोग प्लीज़ उसमें भी सपोर्ट कीजिए। सुमन सुमदान तुम्हारे रक्त संखन संहारे महिषासुर ने किया तुम्हारे जय अद्भार ने अपना रूप कराल काल का धारा से सहित परिगार संतन पर जब जब है सहन तो अमर कुटिय पर सबका जो हमारे है जो तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे न नारी प्रेम भक्त से जो हमारी गरीब के नहीं ध्यान में जो तुम्हें न मंगाए जो तुम्हारे पाक छुटिया योग सो। दोस्तों, तो देखिए हवन हो गया, पूजा आरती हो गई, मैं, तिवारी जी और माँ जी सब लोगों ने पूजा किया, हवन किया, और अब बारी है भोग लगाने की। वैसे तो सुबह फल और का किशमिश बादाम का मैंने भोग लगाया था, बट अभी माँ जी को जो खाना बनाना है उसका भोग लगाऊंगी। तो पूजा में ही बहुत समय निकल गया, अब मैं जा रही हूँ भोग बनाने। भोग में मैं बना रही हूँ हलवा, तो सूजी को काफ़ी भूजना पड़ता है अच्छे से, तो मैं बनाऊँगी हलवा और फटाफट बनाकर माता जी को पहले हलवा का भोग लगा दूंगी, बाद में मैं पूड़ी बनाऊंगी क्योंकि पूड़ी बनाने में टाइम लगता है। और अब मैं बनाऊंगी चना मसाला, क्योंकि चना और हलवा दोनों माँ जी का प्रसाद है, भोग है। नवरात्रि में ये विशेष होता है, चाहे जो ये वाली नवरात्रि हो या दुर्गा पूजा हो। और ये मैंने खीर के लिए दूध भी रख दिया है। सो हलवा, चना, खीर, पूड़ी सब कुछ बनाऊँगी मैं, धीरे धीरे करके आराम आराम से करूँगी, सारे काम मुझे ही करने हैं। और ये मैं पूड़ियाँ भी निकालने जा रही हूँ, तो मैं कन्या नहीं खिला रही हूँ इस बार, मैं काम अधिक नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने थोड़ा ही काम किया है। तो मैं 9 जगह पूड़ी निकाल के माता रानी को भोग लगा दूँगी 9 कन्या के रूप में, और ट्विंकल को बस खिला दूँगी, गाय को खिला दूँगी, चिड़िया को दे दूँगी। तो ये सारा चीज़ हो गया, और क्योंकि अभी मुझे प्रेगनेंसी में सब कुछ अपना ध्यान रखना है, तो मैं उतना ही काम करूंगी जितना मुझे हल्का महसूस हो। और माँ जी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत टाइम तक पूजा करती हैं, और बाहर गेहूं भी बिक रहा है, तो इसी वजह से माँ और तिवारी जी वहाँ पर देख रहे हैं, कुछ गेहूं बिकेगा, क्योंकि इस बार गेहूँ बहुत ज़्यादा हुआ है, रखने का जगह भी नहीं है, तो हम स्टॉक रख कर गेहूँ को ख़राब नहीं करेंगे। तो ये तिवारी जी भी नहा चुके और उन्होंने अपने हाथों से भगवान को भोग लगा दिया। जगदम्बा भवानी मैया सब देवी देवता हूँ। तो खाना खाने से पहले हम लोगों ने अन्न का दान किया है, ये पंडित जी को जाएगा, और अभी सब्जी बाकी है तो मैं सब्जी भी बना लेती हूँ फटाफट। मैंने सब्जी भी बना ली, और अब बाहर गेहूँ बिकने के बाद सब कुछ मैं ब्लॉग एंड भी करूँगी। तो मुझे करना बोदन, बोदन में क्या दी मेरी मम्मा ये सब दी हूँ,
आलू जीरा, क्योंकि ये तीखा नहीं है, दूध, चाय, हलवा, लॉलीपॉप, टॉफ़ी, मूंगफली, क्योंकि अभी हम लोग पारण में लेट होगा इसलिए मैंने हाँ माता जी को हलवा मैंने भोग लगाया था और फलाहार कुछ बनाया था क्योंकि हम लोग पारण लेट होगा, अभी हवन वगैरह करना है। अच्छा सो ट्विंकल सब जल्दी जल्दी फिनिश कर लो, ट्विंकल अभी नहाई नहीं है, बस मैंने ब्रश करा के इसको सब ये सब दे दिया। सो दोस्तों ये हमारी प्रिंसेस है राजकुमारी बिटिया, और ये पापा का फ़ोन पा गई है इस टाइम। इसको दुनिया में सारा चीज़ बेकार लगता है कार्टून के अलावा, तो अभी कार्टून देख रही है और मस्त से उसी में खोई हुई है। नहाई नहीं, मैं इतना बोली चलो ट्विंकल नहा लो पर अभी नहीं नहाई, और अभी इसको कन्या भोजन के लिए कहीं जाना भी नहीं है, और जो खाना तक खा भी चुकी तो अभी मैं बाद में इसको नहलाऊँगी, बहुत सारा काम है दोस्तों। और अभी तो कंटिन्यू आपको वीडियो भी देना है, तो मुझे काम के साथ साथ उसको भी अच्छे से करना है। और तिवारी जी आज धान गेहूँ सब घर भर में पसरा हुआ है, तो देखिए सब बोरियाँ छलियाँ लगी हैं बहुत ज़्यादा, पूरे घर में गेहूँ गेहूँ हो गया है, क्या बताएं बहुत बुरा हाल है घर का। तो ये सारे बोरों में भर जा रहा है, ये सारे सी कर छली लगेगा। और इधर हस्बैंड जी ने माजा लाया है मेरे लिए, तो अभी हम पूरा फैमिली इंजॉय करेंगे। सो दोस्तों मैं यहाँ आई थी रील बनाने क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा था, क्योंकि अभी धूल आंधी धूल तूफान हवा वाला दिन है, तो सारी खिड़की और दरवाजे मैंने बंद कर दिए हैं, तो रूम में बहुत अंधेरा लग रहा था। सो मैं यहाँ रील बनाने आ गई, और आज का नवमी का पारण भी हो गया, व्रत भी हो गया। मैं साड़ी वगैरह नहीं पहन पाई क्योंकि मुझे कंफर्टेबल महसूस नहीं होता, बहुत ज़्यादा काम रहता है, उसके बाद से गर्मी भी है, और पता नहीं क्यों अभी प्रेगनेंसी की वजह से पेट से मतलब बहुत ज़्यादा कसा कुछ बांध भी नहीं सकते ना, तो साड़ी का जो प्रेशर होता है वो पेट पे काफ़ी लगता है मुझे, इसलिए मैं अभी आज साड़ी वगैरह नहीं पहनी, नहीं तो मैं हर एक पूजा हर एक फंक्शन साड़ी पहन के ही करती हूँ। सो आज मैंने कोई साड़ी वगैरह नहीं पहना, बस सिंपल ही मैं थी, और मैं ट्विंकल को भी तैयार नहीं कर पाई, और ना ट्विंकल को मैंने भोजन के लिए कहीं पर भेज ही पाई, घर पे ही उसको मैंने खिला दिया, और खुद ही मेरा तबीयत नहीं सही था तो मैंने सबको सिंपल तरीके से किया ताकि सब कुछ हो जाए, पर बहुत अच्छे से पूजा पाठ हवन हो गया। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सॉर्ट वीडियो जरूर देखिएगा।